असल स्टूडेंट्स टूडे वी डिस्कस चैप्टर नंबर वन पेज नंबर फोटीन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्क्रू गेज आज हम उस स्क्रू गेज की वर्किंग को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स को लेबॉरटरी के अंदर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उसका जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं कि हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं पाया जाता उस जीरो उस एरर को हम क्या करते हैं रेक्टिफाइड करते हैं देन हम जो रीडिंग ले रहे होते हैं वो हमारी बिल्कुल प्रिसाइज रीडिंग होती है अब हाउ टू फाइंड द जीरो एरर इन द माइक्रो मीटर गेज के अंदर हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स वही तरीका है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे थिम्बल रोटेट करेंगे रिचर्ड के साथ हम क्या करेंगे उसको मूव करेंगे सर्कुलर स्केल को तो हमारा जो स्पिंडल है वो स्टड के साथ जाकर लग जाएगा तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ये जो आपको सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नज़र आ रहा है और ये इंडेक्स लाइन है ठीक है इफ़ दे आर कोलाइड कंसाइड टू ईच अदर तो किसी किस्म का जीरो एडर क्या होगा नहीं पाया जाता इट्स मीन बाय डैट कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर जो माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर किसी किस्म का एडर अकड़ ही नहीं पाया जाता ठीक है अगर हम इसको स्लाइटली जब क्लोज़ करते हैं क्लॉक रोटेशन याद रखें क्लॉक जैसे आप किसी नट वगैरह को स्क्रू वगैरह को इस तरह कहते हैं टाइट नहीं कर रहे थे डैट इज कर्क क्लॉक वाइज रोटेशन जब आप उसको क्लॉक रोटेशन आप क्लोज करेंगे ठीक है तो स्टूडेंट याद रखें अगर आपका जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो आपकी इंडेक्स लाइन तक क्या करता है अप्रोच ही नहीं करता इट्स मीन बाय डैट इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाता है बिहाइंड द इंडेक्स लाइन ठीक है तो स्टूडेंट्स जो आपका एरर पाया जाता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है पॉजिटिव एरर कहलाता है क्या कहलाता है पॉजिटिव कहलाता है इसी तरह ही अगर आपका सर्कुलर स्केल जो उनसा हो, वो पास्ट अवे कर जाए यानी कि गुजर जाए यानी कि उसको बिहाइंड छोड़ जाए पीछे इंडेक्स लाइन को और आगे गुजर जाए यानी कि जीरो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो जीरो मार्क है वो आगे ही चला जाए ठीक है इट्स मीन बाय डैट कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो एरर पाया जा रहा है वो नेगेटिव पाया जाता है फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं हम देखते हैं सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इंडेक्स के साथ क्या कर रही होती है मैच कर रही होती है बिल्कुल ऐसे कंसाइड कर रही होती है जिस तरह ये वाली लाइन बिल्कुल ज़ीरो के साथ कंसाइड कर रही थी हम उस लाइन को बड़ी ही एहतियात के साथ काउंट करते हैं उसको काउंट करने के बाद हम फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके यहाँ पर बुक के अंदर मार्क किया वो 18 लाइन क्या करती है कंसाइड करती है आपके माइक इंडेक्स लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की एटीन लाइन क्या करती है कंसाइड करती है उसके बाद आपने उसको क्या करना होता है उसके लीज काउंट के साथ क्या करना होता है मल्टीप्लाई कर देना होता है क्या करना होता है उसके लीज काउंट के साथ याद रखें इन न वनियर कैलिपर और न स्क्रू गेज जब भी जो इनके माइनर स्केल होते हैं या इनके सब स्टैंडर्ड जो स्केल होते हैं वो जिन वैल्यू के साथ क्या करते हैं कंसाइड करते हैं वो वैल्यू को आपने उनके लीज काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट वन एट मिली याद रखें मिलीमीटर mm. ठीक है तो जो एडर होगा वो आपका पॉजिटिव एरर होगा इसी तरह ही जीरो एरर जो सा नेगेटिव होता है सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन जो सर्कुलर स्केल होता है आपका वो क्या कर चुका होता है इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका होता है इंडेक्स लाइन को क्या कर चुका होता है क्रॉस कर चुका होता है वो जितने स्टेप क्या कर चुका होता है क्रॉस कर चुका होता है वो आपने काउंट कर लेना होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये जीरो है ठीक है तो फाइव स्टेप क्या करते हैं नाइनटी फाइव के ऊपर है तो इसको मतलब फाइव स्टेप वो क्रॉस कर चुका है उसको फिर आप क्या करेंगे उसके लीज काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एरर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा नेगेटिव होगा उसको अपन उसके लीज काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव मिली मीटर ठीक है स्टूडेंट्स बकाया जो इसको आ, मजीद आ, हम इसको प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट तब मजीद क्लियर हो जाएगा ये बेसिकली क्या तरीकाकार था कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नौ स्टूडेंट्स पेज नंबर फिफ्टीन के ऊपर आपकी मिनी एक्सरसाइज है उसको डिस्कस कर लेते हैं जो आपके टॉपिक के लिहाज से है कहते हैं व्हाट इज़ द लीस काउंट ऑफ द स्क्रू गेज तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है स्क्रू गेज जो सा होता है एक लीस काउंट जो स्क्रू गेज का होता है वो जीरो पॉइंट mm होगा या तो वो क्या होगा जीरो सेंटीमीटर होगा ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर हो गया मैं बुक के ऊपर ही मार्क कर दिया इसको आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है सेकंड क्वेश्चन है कहता है व्हाट इज़ अ पिच ऑफ़ योर लेबोरेटरी स्क्रू गेज स्टूडेंट्स जो हमारे पास लेबोरेटरी में जो स्क्रू गेज होता है ना उसकी जो पिच होती है वो वन मिलीमीटर ही होती है पिच का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी थिम्बल को रोटेट करते हैं क्लॉक तो जब पूरी एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो स्टूडेंट्स वो जितनी कंप्लीट रोटेशन करता है तो दो कंजेक्टिव लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वन मिलीमीटर का ही होता है थर्ड है जी आपके पास वट इज द रेंज ऑफ द वट इज द रेंज ऑफ योर लेबॉरिट्री स्क्रू गेज ये हमारे पास जो लेबॉरट्री में स्क्रू गेज होते हैं वो 0.01 जीरो mm वन मिलीमीटर से लेकर 0.001 सेंटीमीटर तक होते हैं कहते हैं विच इज अफ टू विच वन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज एंड वाई सिंपल सी बात है स्क्रू गेज होता है जो आपको प्रिसाइज रीडिंग देता है इसकी रीजन क्या है कि ये थर्ड डेसिमल तक हमें क्या होता है आंसर देता है तो स्क्रू गेज इज अ मोर प्रिसाइज बिकॉज इट्स लेस काउंट इज स्मॉल एंड मैयर अप टू द mm 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं मास मयर कर सकते हैं आमतौर पर जो एनशियड टाइम पीरियड के अंदर होता था ग्रीकसल रोमन जोन से होते थे वो बीम बैलेंस को यूज़ करते थे जैसा कि आप अपने क्या कहते हैं रूटीन वाइज़ देखते हैं जो बहर आपके फ्रूट सैलड्स होते हैं और वेजिटेबल सैलर्ड होते हैं वो इस तरह का बीम बैलेंस यूज़ करते हैं एक तरफ क्या करते हैं वो वन के का क्या कहते हैं जो स्टोन होता है पत्थर होता है या मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसको रख देते हैं दूसरी तरफ आप वो क्या करते हैं आपके आलू या जो एप्पल्स वगैरह तो डालते रहते हैं जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता ऊपर से लीवर वो क्या कहते हैं इसको मयर करते रहते हैं ठीक है जी बीम बैलेंस क्या होता है नॉन मास्क का एक पैन में रखा जाता है और फिर दूसरी तरफ हम क्या करते हैं मास्क को मैयर कर लेते हैं लेकिन नाउ डेज हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैलेंस क्या होते हैं यूज़ किए जाते हैं जिनमें से हम पहला बीम बीम बैलेंस के अलावा जो पहला बैलेंस को डिस्कस करेंगे डेट इज़ कर ला फिजिकल बैलेंस फिजिक बैलेंस जो स्टूडेंट्स टरी के अंदर क्या होता है यूज होता है वो होता है आपके पास लेबॉर्टरी के अंदर जो यूज होता है वो मास को वेरियस ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन से क्या क्या होता है मयर क्या होता है इसको हम पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं क्योंकि यही आपको स्ट्रक्चर ही समझ में आना चाहिए इसमें सबसे पहले ये एक लोहे की क्या होती है स्टूडेंट्स भीम होती है इसके ऊपर क्या होते हैं स्ट्रिप लगे होते हैं ठीक है स्टूडेंट्स और इस तरफ क्या होते हैं इनके स्क्रूज लगे होते हैं यानी कि ये जो पैन हमने लटकाए हुए हैं यानी कि जो फ्रेम है ठीक है इसको हम इनके अंदर प्लेस करते हैं फिर स्क्रू से क्या कर लेते हैं उसको टाइट कर लेते हैं सेकंड में ये क्या होता है पिलर होता है यानी कि मेटल का एक लोहे का फ्रेम होता है स्टूडेंट्स ठीक है और इसके ऊपर क्या होता है एक निडल क्या करती है मूव गाड़ी होती है सेंटर में क्या होता है स्केल लगा होता है जिसके सेंटर में ज़ीरो होता है ठीक है लेफ्ट और राइट के ऊपर मिली मार्क हुए होते हैं टेन टेन मिली मार्क

एंटी क्लॉक हम क्या करते हैं घुमाते हैं ठीक है एंटी क्लॉक करते हैं तो ये पिलर क्या करता है बीम को ऊपर की तरफ मूव करवा देता है स्टूडेंट्स हम फिर एक तरफ क्या कर लेते हैं नाउन नॉब को जब हम क्लॉक बेटा मूव करते हैं स्टूडेंट्स तो ये जो सा आ, आपका पिलर होता है स्टूडेंट सेंटर में जो बीम को क्या कर लेता है तो पिलर जो होता है बीम को अपवर्ड मूव करवाता है फिर हम क्या करते हैं प्लेस करते हैं सूटेबल मास ठीक है जो कि हमारे पास वेट बॉक्स के अंदर होते हैं ठीक है हम क्या करते हैं उसको राइट साइड के अंदर क्या करते हैं प्लेस करते हैं लेफ़्ट साइड के अंदर हम क्या कर लेते हैं अपना जो अन मास होता है उसको क्या कर देते हैं रख देते हैं ठीक है स्टूडेंट्स फिर जब ये पॉइंटर सेंटर में आ जाता है तो इट्स मी बेड डेट हमने जो रेलिवेंट मास होता है ऑब्जेक्ट का वो मैय कर लिया होता है थैंक यू स्टूडेंट्स